अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां हॉरोस्कोप मौजूदा हफ्ता 17 तक 23 अगस्त 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तदा कर रहे हैं बुर्ज हमल से एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा आपका हाकिम तरह मरीख 9-31 अगस्त बैतुल जायचाटी 5वें घर में रहते हुए मौजूद आपको इनामी बॉन्ड्स, प्राइज बॉन्ड्स, लॉटरी या इस तरह के बाकी जो मामलात हैं इनामी मामलात उनमें आपका शौक बढ़ा सकेगा, आपकी तवज्जो को शायद उधर मरकूज कर सके और हालात अगर आपके फेवरेबल होंगे तो यकीनन आपको उसमें फ़ायदा भी मिल सकेगा। आपकी स्टार मूवमेंट्स हैं, एक स्टार जो है वो कुछ नहीं होता, बाकी स्टार के कॉम्बिनेशन की वजह से ही आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ है, इसके साथ साथ आपके प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, यानी जज्बाती मामला जो है उनमें आपको अपनी जज्बात के ऊपर काबू रखना होगा। जबकि अपनी औलाद या अपनी छोटी बहन भाई अगर आपकी कस्टडी में आप उनको जो लुक आफ्टर कर रहे हैं तो उनकी ज़रा ख़ास तौर पर आपको तवज्जो देना होगी, उनके शब रोज़ को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी वेयर अबाउट्स क्या हैं, किस तरह के ताल्लुकात हैं, किस तरह के लोगों से वो मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। 16 और 17 अगस्त को शर्फ अतारत की वजह से आपको अपने मातहत जो अफराद हैं उनका तआवुन और हसब मंशा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अपनी मर्जी की मुलाजमत के लिए थोड़ा सा लगन होगी, कोशिश कर रहे होंगे तो यकीनन उनको कामयाबी भी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा 17 अगस्त को नई सरमायाकारी का रुझान बढ़ सकता है, आप कुछ नए मौके तलाश करेंगे, उनकी तरफ अपने आप को एक्टिव भी करेंगे। 18 अगस्त को समाजी और मानवीय माहौल आपका खासा साजगार रहेगा, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और 19 अगस्त को आपको हैरत हो जब आपको यह अंदाजा होगा कि आपके वक्त की अहमियत क्या है, इसलिए अगर लिखने लिखाने का काम है, पढ़ने का शौक है आपका या एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग हैं तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, तवज्जो रखना होगी, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना होगा, उसके लिए प्लान करना होगा। 20 अगस्त को आपके जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले या प्यारे लोग होंगे वो डिफरेंट आपके किसी ऐसे मामले में कुछ वो पेचीदगी कोई ऐसी है जिसको हल करने में आपका साथ दे सकेंगे और आपके लिए बड़ा हैरत का मुकाम होगा कि ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, लेकिन ये जो मुमकिन होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। 21 अगस्त को आपको मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करने के साथ साथ बहुत सारी जगहों से इन्विटेशन भी मिल सकती हैं, जबकि आपकी गेट टुगेदर भी हो सकती है, मेल मुलाकात भी आपकी मामूल से बढ़ सकती है। 22 अगस्त को आपके बहुत सारे ऐसे ताल्लुकात जो माजी में टूट चुके, ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, वो मुरासिम दोबारा से यानी तजदीद मुरासम हो सकेगी, उसमें स्टार मूवमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे और यकीनी तौर पर आपको ऐसे मौके पे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पीसफुल रखना है। 23 अगस्त को अजीज़ वकारब के तआवुन से अपने विरासती उम्र को बेहतर तौर पर हल करने में कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा आपका हाकिम सारा जोहर तमाम यानी जायजा के चौथे घर में रहते हुए, चूँकि ये यहाँ जो है ये रुजत की हालत में मौजूद होगा, इसकी वजह से आपको अपनी पर्सनल कन्वेंस, जाती या ख़ानदानी जो मामलात हैं आपके या कुछ मसाइल और मुश्किल जो हर फैमिली में हर खानदान में होते उनसे वास्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया, इरादा कर लिया, मुसम्मम इरादा हुआ और थोड़ा कोशिश भी हो सकता है आपको वो ट्राई ट्राई अगेन वाली बात आ जाए तो यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी। जबकि ज़मीन जायदाद के लेन देन और खरीदो फरोख्त का जो मामला है उसमें आपको थोड़ा मुहतात रहना होगा, खासा केयर करनी होगी क्योंकि वहाँ कुछ धोखाधड़ी या फ्रॉड हो सकता है। जबकि जायका ने 5वें घर में 16 और 17 अगस्त को शर्फ अतारत जो है वो होगा तो जिसकी वजह से आपके मानवीय ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी और बहुत सारे अफराद की तो बात जो है वो शादी और खाना आबादी तक भी पहुँच सकती है। 17 अगस्त को शम्स और अकरान की वजह से आप अपने जज्बात और ख्यालात का खासा अच्छे तरीके से इजहार कर सकेंगे, जबकि जो तख्लीक कार है, क्रिएटिविटी है, कुछ लोगों के अंदर कुछ ऐसी फनकाराना सलाहियतें हैं जिनका इजहार वो कर सकते हैं तो यकीन वो अपने ख्वाबों को, अपने आइडियाज़ को तखयल कर अपने तखयल को अमली रंग दे सकेंगे और ये काबिलियत उनको जो है वो लोगों के सामने आ सकेगी, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और कुछ एक तो ऐसे हैं कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों से बड़े सहरंगेज जो है वो काम कर सकेंगे,
ऐसे कारनामे अंजाम देंगे कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा हैरतजदा हो सकते हैं और उनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल सकती है। 19 और 20 अगस्त का जोरा यूरेनस तसलीस की वजह से आपको अपने मामलात जो हैं वो अपने मुखलिस दोस्त अहबाब या अपने बुजुर्गों से शेयर करके या अपने रूहानी उस्ताद से मशवरा करके हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यकीन कामयाबी तो खैर जब कोशिश करता है इंसान तो कामयाबी तो मिलती है, लेकिन इसकी इसके लिए आपको ये दो तीन अभी मैंने जो है वो बता दिए एंगल कि कहाँ कहाँ से आपको रहनुमाई और गाइडलाइन मिल सकती है, और अगर ये मिल गई तो आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियत भी यकीन बहुत ज़्यादा निखर कर सामने आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 17 अगस्त को आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का साथ हासिल रहेगा, 18 को लोगों को पता चल जाएगा कि आप बहुत सारे मामला उनसे नीता है, इसलिए वो भी संजीदगी इख्तियार करेंगे और आपके मामला जो हैं वो यकीन आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। 19 अगस्त को दूसरों की जो बेकार बातें हैं या फजूल किस्म की टॉन्टिंग है या इरिटेशन है किसी तरह की या आपको ऐसी टाइम वेस्टेज वाली एक्टिविटीज़ हैं तो यकीन उनसे अपने आप को बचाइएगा। 20 अगस्त को जायदाद की खरीद व फरोख्त का प्रोग्राम बन सकेगा जो कि आपके लिए शायद बेहतर हो सके, लेकिन एहतियात लाजिम है। 21 अगस्त को आपके जो अपनी पर्सनल कन्वेंस से मुतल मामला हैं, जाती सवारी के जो मामला हैं यकीन उनको ख़त्म करने में आप कुछ पेशरफ्त हो सकेगी। 22 अगस्त को किसी तकरीब का अचानक अहतमाम करना हो सकता है, आपके लिए आ सकता है। 23 अगस्त को कुछ नई सरमायाकारी करने के लिए जो प्लानिंग करेंगे या कोई प्रैक्टिकल एक्शन लेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर जो सात मामूल से बढ़ के जो सात असरात के हामिल दिन हैं वो 18, 19, 20 और 21 अगस्त, जबकि इसके मुकाबले में मामूल से बढ़कर मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं। बुर्ज जौजा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सारा तारा 8-27 अगस्त जायका के चौथे घर में क्याम पजीर होगा। 17 अगस्त को अतारत प्रोटो तसलीस की वजह से आपकी जो तकरीर और तहरीर है वो खासी पुरअसर होगी और दूसरों पर असरअंदाज होकर आपकी इज्जत और वकार में इजाफा का बाइस बन जाएगी, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो आपकी सहरंगेज शख्सियत से खासे मुतासर होंगे, हाइपनोटाइज होंगे और इस चीज़ का बेनिफिट आपको बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे मामलों में बासानी मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 17 अगस्त को शरीक हयात का जो तामन है या साथ है वो आपके ज़िंदगी के बहुत सारे मामलों में एक अहम किरदार अदा करेगा। 18 अगस्त को अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत की तरफ से आपको ज़बरदस्त जिस्मानी और जहनी कुव्वतें जो है वो अता हो सकती हैं और अगर मिल जाएं तो आपकी दानाई और तवानाई दोनों में खासा इजाफा होगा जो लोगों को महसूस हो सकेगा। 19 अगस्त को आपका जहन मालियाती जो मामला है उनकी तरफ और आलमी मीशत की तरफ जा सकता है, यानी आप इतना बड़ा जो अपने आप को आगे ले जाकर ऐसा कुछ काम करने की कोशिश कर सकते हैं जिसके लिए बाद में शायद आपको हैरत हो, लेकिन अगर ऐसा मौका आ जाए तो आपको अपने स्टार की निस्बत से सारे मामलों को वो राइट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए ताकि बाद में जब भी कभी जरूरत पड़े तो ये पॉइंट आपके सोची हुई बातें आपके काम आ सके। 20 अगस्त को अखबार और मैगजीन वगैरह से आप यानी मीडिया से आप बहुत ज़्यादा इंस्परेशन हो सकती है और ऐसे ही लगेगा जैसे आप उनसे गेन कर रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे किसी टीचर से कुछ हासिल किया जाता है तो मीडिया से आप इस तरह की इंस्पिरेशन आपको हो सकती है। 21 अगस्त को तालीम तदरीस में और उसके साथ साथ सैर सियात दोनों जो है मामला उनमें आपका शौक बढ़ सकता है। 22 अगस्त को आपको हर किस्म के फैसले करते वक्त खासा मुहतात रहना होगा। 23 अगस्त को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ऑलवेज बी रियलिस्टिक, क्योंकि अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे आपकी हकीकी सोच होगी रियलिस्टिक होगी तो यकीन आप मार नहीं खाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे अपना, बाकी तो फायदा होना तो अलग बात है, अगर नुकसान हो जाए तो फिर डबल लॉस हो जाता है, एक फायदा नहीं होता दूसरा नुकसान हो गया, तो इस तरह आपको थोड़ा एहतियात करना होगी। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के मुमकिन तौर पर जो आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।